सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस, जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट सामने आया। लिखा केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए, फुल कोर्ट के बगैर दिए गए फैसले की कानूनी हैसियत नहीं होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 23 जून की समाअत के तहरीरी फैसले में जस्टिस याहिया अफरीदी का नोट भी शामिल कर लिया। नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तलाफी नोट में लिखा, फुल कोर्ट के बगैर दिए गए फैसले की कानूनी हैसियत नहीं होगी। निजाम इंसाफ का ताल्लुक अवामी एतमाद के साथ होता है। अदालत में हम आंगी और तवाजुन के लिए फुल कोर्ट को मामला सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बेंच के बारे में सियासी चैमुगोइयां हो रही हैं। चीफ जस्टिस तवज्जा दें, क्योंकि ये अवामी एतमाद का मामला है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने 23 जून की समाअत का तहरीरी फैसला जारी करते हुए जस्टिस याहिया अफरीदी का नोट भी तहरीरी फैसले में शामिल किया।